मॉर्निंग एवरीवन, श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। तो अपन पढ़ रहे हैं अपना छठवां अध्याय जो है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एंड जॉइंट सेक्टर, यानी कि बहुराष्ट्रीय निगम और संयुक्त क्षेत्र। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि बहुराष्ट्रीय क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र होता क्या है। तो बहुराष्ट्रीय निगम से आशय एक ऐसे व्यवसाय उपक्रम या कंपनी से बोल सकते हैं जो कि क्या करती है, अन्य देशों में अपना व्यवसाय संचालित करती है। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई बहुराष्ट्रीय निगम जो भारत से संचालित है, तो भारत के अलावा वो अन्य देशों जैसे अमेरिका हुआ, फ्रांस हुआ, चीन हुआ, रूस हुआ, तो उन क्षेत्रों में भी क्या करती है, अपने व्यवसाय की शाखाएं खोल लेती है। उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, बहुराष्ट्रीय निगम है, जिसको अभी अपन डिटेल में देखते हैं। उसके अलावा जो संयुक्त क्षेत्र होता है, तो संयुक्त क्षेत्र से आते एक ऐसे क्षेत्र से होता है जिसके अंतर्गत निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सम्मिश्रण होता है और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, काम किया जाता है। तो अभी अपन देखते हैं बहुराष्ट्रीय निगम। तो एक ऐसा देश जहां पर कोई व्यवसाय संचालित है और वह व्यवसाय क्या कर देता है, वो अन्य देशों में भी अपने व्यवसाय की शाखाएं खोल देता है, तो ऐसे व्यवसाय को, ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहेंगे कि वो बहुराष्ट्रीय निगम है। कुल मिलाकर अनेक देशों में अपनी शाखाएं खोल देना, इससे क्या होता है, अनेक देशों में अपन अपना व्यवसाय करेंगे तो उससे हमें विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति हो जाती है, साथ ही साथ हमें नई नई टेक्निक भी मिल जाती है, हम नई नई वस्तुओं का उत्पादन भी कर लेते हैं। अगर हमें पैसों की कमी होती है या कोई हमें वित्तीय आपदा रहती है, हमें वित्त से संबंधित समस्याएं रहती है, तो हम अन्य देशों से भी इसमें सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बहुराष्ट्रीय निगम से आशय एक ऐसे उपक्रम से होता है जो अपना व्यवसाय अन्य देशों में भी संचालित करती है। अब जैसे अपन ने देखा है कोक कोला होता है, रीबॉक है, कैडबरी है, तो ये सारी क्या है, मतलब कि इन्होंने अपना व्यवसाय तो बहुत सारे देशों में फैला रखा है, इसलिए बहुराष्ट्रीय निगम के अंतर्गत आती है। अब अपन देखते हैं बहुराष्ट्रीय निगम की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहला होता है विशाल पूंजी। अब सीधी सी बात है, एक देश है अपना व्यवसाय की शाखा है उसमें बहुत सारे देशों में खोल रखी है, तो अब जैसे भारत में भी कर रहा है, अमेरिका में भी, रूस में भी, तो उसको क्या है, शेयर होते हैं, डिबेंचर होते हैं या कोई वित्तीय संस्थाएं होती है, उनसे ऋण ले लेना, बैंक से ऋण ले लेना, इस प्रकार से इनके पास विशाल मात्रा में पूंजी होती है और अन्य देशों से जुड़े रहते हैं, इसीलिए भी इनमें पूंजी की कोई कमी नहीं रहती है, इसीलिए बहुराष्ट्रीय निगम के पास बहुत अधिक मात्रा में पूंजी के संसाधन होते हैं। दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय संचालन। अब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर इसका संचालन का मतलब है कि जैसे कि अमेरिका है, उसने अपनी एक शाखा भारत में खोल ली, एक रूस में खोल ली, एक कहीं और खोल ली, तो अब अंतर्राष्ट्रीय संचालन का मतलब हुआ कि विपणन भी हो रहा है, यानी कि मार्केटिंग भी हम अलग अलग देशों में कर रहे हैं, साथ ही साथ जो सुविधाएं हैं वो हम अलग अलग देशों की कर रहे हैं। तो संचालन क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल पर होता है, सब अपनी सलाह देते हैं कि हम किस प्रकार से अपने व्यवसाय को और अच्छे तरीके से स्टेब्लिश कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो इस हिसाब से क्या हो जाता है, यहाँ पर बहुराष्ट्रीय निगम में अंतर्राष्ट्रीय संचालन हमें मिल जाता है। तीसरा होता है विकसित तकनीक। अब अपन ऐसा मान सकते हैं कि हमारा भारत देश जो है वो विकासशील देश है, इसीलिए यहाँ की टेक्निक क्या होती है, थोड़ी पुरानी होती है। अब अगर बहुराष्ट्रीय निगम के संपर्क में हम आ जाते हैं तो उनकी क्या हो जाती है, विदेशों से अच्छी अच्छी टेक्निक लेकर और उनको थोड़ी रॉयल्टी या परामर्श शुल्क जो होता है उनको देकर उनसे अच्छी अच्छी टेक्निक ले सकते हैं और अपने भारत देश में ही उन वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बहुराष्ट्रीय निगम से हमें क्या होता है, अच्छी अच्छी टेक्निक यानी विकसित तकनीक के माध्यम से हम अपनी वस्तुओं का उत्पादन कर लेते हैं। अब तीसरा होता है विदेशी सहभाग का। अब सीधी सी बात है, बहुराष्ट्रीय निगम यानी कि विदेशों के संपर्क में आना, उनके साथ में मिलकर व्यवसाय को करना, तो विदेशी सहभागिता मिलती है, विदेशी पूंजी भी हमें प्राप्त हो जाती है, उनकी नई नई टेक्निक भी मिल जाती है, तो कुल मिलाकर विदेशों से हमें सहभागिता मिल जाती है। अब पांचवा देखिए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार का मतलब ये होता है कि हम बहुराष्ट्रीय निगम के संपर्क में आते हैं, तो कभी जैसे उन्हें कच्चे माल की जरूरत होती है तो हम उनको कच्चा माल प्रोवाइड करा देते हैं, अगर कोई लोहा हुआ, इस्पात हुआ, जो कच्चा माल है वो हम उन्हें प्रोवाइड करा देते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, हम ऐसी वस्तुओं का निर्माण करते हैं जो कि हम विदेशों में भी बेच सकें, तो कुल मिलाकर क्या हो जाता है, हमारी निर्यात अपने आप ही बढ़ जाती है, तो उसके माध्यम से हमारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार विकसित हो जाता है। अब यहीं पर देखिए हमें बहुराष्ट्रीय निगम के लाभ क्या होते हैं, तो सबसे पहला होता है विदेशी पूंजी की प्राप्ति। अब देखिए अपना भारत देश है जो कि विकासशील देश है, यहाँ पर कम मात्रा में पूंजी होती है और रोजगार बेरोजगारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब बहुराष्ट्रीय निगम क्या करते हैं, भारत जैसे विकासशील देशों को पूंजी उपलब्ध कराते हैं। पूंजी उपलब्ध कराने से हमारे देश में क्या होगा कि जो व्यक्ति हम औद्योगिकीकरण करेंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उद्योगों का निर्माण करेंगे और अपनी वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, तो बहुराष्ट्रीय निगमों का पहला लाभ क्या है, इसके कारण से हमें विदेशी पूंजी की प्राप्ति हो जाती है। दूसरा देखें तो विकसित तकनीक। अब भारत क्या होता है, भारत देश में यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन
संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मानवीय संसाधनों में भी कोई कमी नहीं है क्योंकि जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में, बस आवश्यकता क्या होती है उनका प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन दोनों का तालमेल बिठाने की। अब उसमें बहुराष्ट्रीय निगम की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। ये अपनी विकसित तकनीक क्या करती है, भारत देश को प्रोवाइड करती है, जिसके कारण वो प्राकृतिक और मानवीय दोनों संसाधनों का तालमेल बिठाकर भारत देश को विकसित तकनीक प्रदान करती है। तीसरा होता है रोजगार में वृद्धि। अब सीधी सी बात है, उन्होंने हमें औद्योगिकीकरण के लिए पूंजी दी है, हम क्या कर रहे हैं धीरे धीरे अपने उद्योगों का विकास कर रहे हैं। अब उद्योगों का विकास करेंगे तो भारत देश की जनसंख्या जो कि बेरोजगार है उनको क्या मिलेगा, रोजगार की प्राप्ति हो जाएगी। और रोजगार की प्राप्ति जब होगी तो भारत की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी और देश का विकास होगा। तो बहुराष्ट्रीय फर्मों के माध्यम से क्या होता है, रोजगार में भी वृद्धि हो जाती है। अब चौथा देखिए, नए नए उत्पादों का विकास करना। अब जैसे क्या होता है, आजकल इंटरनेट का जमाना है, अपन कहीं की अभी फैशन है कोई है अपन वो आसानी से देख सकते हैं। तो अब क्या होता है, जैसे अमेरिका में कौन सी चीज़ चल रही है वो अपन ने इंटरनेट पर देख लिया या किस तरीके से देख लिया। अब बहुराष्ट्रीय निगमों के अपन संपर्क में आते हैं तो किस देश में क्या चीज़ों का उत्पादन हो रहा है, कौन कौन सी नई नई डिज़ाइन की वस्तुएँ उत्पादित की जा रही हैं, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो, पहनने से रिलेटेड हो, या आपके ज्वेलरी हो या कुछ भी चीज़ हो, तो उन चीज़ों के माध्यम से हम क्या होता है एक देश दूसरे देश के संपर्क में बना रहता है। तो प्रत्येक देश क्या करता है, नए नए उत्पादों का निर्माण करता है अर्थात नवप्रवर्तन करता है। चौथा होता है विदेशी विनिमय। अब इसका मतलब ये है विदेशी बहुराष्ट्रीय निगम के माध्यम से हमें विदेशी पूंजी की प्राप्ति हो जाती है। अब विदेशी पूंजी की प्राप्ति हुई, औद्योगिकीकरण हुआ, तो हमने क्या किया अपने भारत देश में ही वस्तुओं का उत्पादन करना चालू कर दिया। अब धीरे धीरे जब वस्तुओं का उत्पादन अपन करने लगेंगे तो विदेशी विनिमय हमें आसानी से मिल जाएगा। जब हमारे आयात बहुत कम हो जाएंगे और वहीं निर्यातों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि अपने देश में वस्तुओं का उत्पादन करके जब हम दूसरे देशों में बेचेंगे तो हमें विदेशी विनिमय आसानी से मिल जाएगा। इस तरीके से अपने लाभ। अब अपन देखते हैं कि हमारा जो बहुराष्ट्रीय निगम है उसकी कुछ ना कुछ दोस्त जरूर होती हैं। तो सबसे पहला होता है राष्ट्र की प्रभुसत्ता को खतरा। अब मान लीजिए कि जो हमारा भारत देश है उसने क्या किया, विदेशी कंपनियों के संपर्क में आकर अपना व्यवसाय उन्होंने संचालित आसानी से कर लिया, लेकिन इससे क्या हो जाता है, हमारा भारत देश जो है वो विकासशील देश है, इसके बजाय जो हमारी विदेशी देश होती है वो क्या करती है, भारत देश पर अपना कब्जा करने की कोशिश करती है। पहले तो हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन धीरे धीरे उन भारत देश के संसाधनों का अपने देश के लिए उपयोग करते हैं, जिसके कारण जो राष्ट्र की प्रभुसत्ता है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा होता है लाभार्थी को रॉयल्टी की अदायगी। पहले तो इस बहुराष्ट्रीय निगम क्या करती है, बहुत अच्छा व्यवहार करती है, जिसके माध्यम से ना हमें लाभांश देने की जरूरत है ना रॉयल्टी देने की जरूरत है। बट धीरे 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 क्या हो जाता है, एक निश्चित समय के बाद हमें उनको लाभांश भी देना पड़ता है, रॉयल्टी भी देनी पड़ती है, एक हिसाब से उन्हें शुल्क अदा करना पड़ता है इनके बहुराष्ट्रीय निगमों के संपर्क में आने का। साथ ही साथ जब हम विदेशी कंपनियों से किसी भी प्रकार की कोई सलाह लेते हैं तो हमें उनको परामर्श शुल्क भी देना पड़ता है। तो पहले तो कुछ नहीं है, फिर धीरे धीरे हमें लाभांश रॉयल्टी आदि की अदायगी करनी पड़ती है। तीसरा होता है अनुपयुक्त तकनीक। इसमें क्या होता है, भारत देश में जो टेक्निक है वो सबसे बाद में आती है, विदेशी कंपनियां क्या कर लेती है पहले से ही उस कंपनी का उस तकनीक का यूज कर लेती है और वह भारत में भेजती है। अब फिर भारत में वो टेक्निक यूज होगी तो वो पुरानी टेक्निक होगी और पुरानी टेक्निक के कारण अब आजकल अपन क्या कर सकते हैं, हर चीज का फैशन पहले से ही देख सकते हैं। अब वो फैशन कहीं पर बहुत पहले आ गया था भारत देश में, कोई बाद में आ रहा है, तो ये अपन को क्या करते हैं पुरानी तकनीक देते हैं जो कि अनुपयुक्त होती है। साधनों का अपने हित में प्रयोग। अब बहुराष्ट्रीय निगम क्या करते हैं, भारत देश से कच्चा माल ले लिया, लोहे ले लिया, इस्पात ले लिया, हर चीज ले ली उन्होंने, अपने संसाधन ले लिए। अब उसका क्या करते हैं, वो वैसे तो अपने साथ ज्वाइंट है कि हम आपके साथ मिलकर व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन ये जो विदेशी देश होते हैं बहुराष्ट्रीय निगम होते हैं वो क्या करते हैं, उन संसाधनों का अपने हित में ही उपयोग करते हैं और उससे भारत देश हमारा वंचित रह जाता है। लास्ट अपन देखते हैं भ्रष्टाचार को बढ़ावा। जो बहुराष्ट्रीय निगम रहते हैं उनके पास विशाल मात्रा में पूंजी रहती है, हर चीज उनके पास पर्याप्त मात्रा में रहती है। तो अभी क्या करते हैं, हमारे देश के जो राजनेता रहते हैं या फिर जो बड़े बड़े लोग रहते हैं उनके संपर्क में बने रहते हैं। अब उनके संपर्क में बने रहने के कारण वो हमारे क्या करते हैं, भारत देश को धीरे धीरे लो करते जाते हैं, क्योंकि उनका कॉन्टैक्ट किसके
साथ रहता है, राजनेताओं के साथ रहता है, तो वो सोचते हैं कि हमारा देश ही क्या हो, विकसित होता रहे और जो अन्य देश है वो विकसित ना हो सके, इसके कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता जाता है। इस तरीके से अपन ने देखा बहुराष्ट्रीय निगम अर्थात एक ऐसा व्यवसाय, ऐसा उपक्रम जो अन्य देशों में अपनी शाखाएं खोल रखा है, अर्थात जहां पर इसकी स्थापना हुई है वह अन्य देशों में भी अपना व्यवसाय करती है, उसको कहते हैं कि हम वो क्या है, बहुराष्ट्रीय निगम। इसमें कई ऐसी विशेषताएं थी, लाभ थे और दोष थे। अब अपन देखते हैं ज्वाइंट सेक्टर। तो संयुक्त क्षेत्र से आज एक ऐसे क्षेत्र से होता है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यवसाय निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के सम्मिश्रण से किया जाता है। निजी स्वामित्व का मतलब होता है कि निजी व्यक्तियों का भी स्वामित्व रहेगा और सार्वजनिक का मतलब होता है कि इसमें सरकार के अंडर में भी काम किया जाता है। अब ज्वाइंट सेक्टर क्या होता है, संयुक्त क्षेत्र क्या है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। जब तक आप इसको रीड करिए। थैंक यू।